8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना, क्या 2024 जैसी चीजें दोहराई जाएंगी, या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, या कांग्रेस वनवास कंप्लीट करेगी, या एक साझा सरकार बनेगी जिसमें कई पार्टियों को, क्योंकि आपको पता है इंडिया गठबंधन एक साथ हो जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन, सवाल है कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी लड़ाइयों में है, क्या जातीय समीकरण है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका मैनेजमेंट बढ़िया, किसकी क्या हाल है, ये सब जानेंगे आज टी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शिवम पांडे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सबके हौसले बुलंद है, सारे नेताओं ने, दिल्ली से लेके हरियाणा के लोकल नेताओं ने जान फूंक दी है, अलग अलग रैलियां हो रही हैं, स्टेज से लोग नहीं उतर रहे हैं, सबकी पूरी कोशिश है कैसे वोटर्स को रिझाया जाए। 5 अक्टूबर को इलेक्शन है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब आज 30 अक्टूबर को ये वीडियो शूट हो रहा है, सॉरी 30 सितंबर को, तो मुश्किल से मुश्किल 5 दिन। अब ऐसे में हरियाणा की जनता क्या कहती है और वहां के जाति समीकरण क्या कहते हैं, इन सभी चीजों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोटी मोटा बात करें तो पिछले 10 सालों से बीजेपी है और वो हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस अपने 10 सालों का सूखा खत्म करना चाहती है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जेजेपी, बीएसपी और निर्दलीय नेताओं ने भी धमाल मचा रखा है। तो बात करें बीजेपी के लिए, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी के हौसले थोड़े से पस्त, और वहीं बात करते हैं हम कांग्रेस के, तो 99 सीट पाने के बाद उसके हौसले बुलंद देखने को आपको मिल जाएंगे। खैर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के लिए कोई काम आसान नहीं है। किसान और पहलवान पहले से ही नाराज चल रहे हैं किसान आंदोलन और बेटियों को घसीटे जाने के रीजन से, वहीं लोकल लीडर्स की भी नाराजगी ने नाकों में दम कर रखा है। जाट, गैर जाट, ओबीसी, दलित के वोटों का बंदरबांट मचा रखा है। तो जनता क्या कहती है, क्या है जातीय समीकरण, चलिए सबके बारे में डिस्कस करते हैं। 90 विधानसभा सीटों पे 5 अक्टूबर को इलेक्शन और 8 अक्टूबर को रिजल्ट है, सबने पूरी ताकत लगा रखी है। अगर कोई कहता है कि ये इलेक्शन एक तरफा है तो बिल्कुल नहीं, ये इलेक्शन एक तरफा नहीं है। 2024 में जैसे बीजेपी का भौकाल बना था और रिजल्ट आने के बाद जैसे जनता ने बताया कि यहाँ कुछ भी एक तरफा नहीं है, इस तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी यहाँ जीत रही है, एक तरफा मुकाबला नहीं, कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी, जेजेपी, एएसपी, आप इन सभी को अगर आप ध्यान से देखें तो लोकल कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट और छोटी पार्टियों ने भी तहलका मचा रखा है, सारे समीकरण को बिगाड़ रखा है, सियासी माहौल गर्म है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो बीजेपी फोकस में है, क्योंकि 10 सालों से आप रूल कर रहे हैं तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे, चाहे किसान हो या पहलवान हो, अग्निवीर हो या बेटियों का मुद्दा हो, ये सारे सवालों के जवाब देने तो बीजेपी को पड़ेंगे। खैर बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, क्योंकि यही दोनों मुख्य धारा में है। इन दोनों में देखेंगे तो इस समय कहते हैं मैनेजमेंट वर्सेज माहौल का एक कैंपेन चल रहा है, मतलब माहौल कांग्रेस का है बट मैनेजमेंट बीजेपी का काफी मजबूत है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो या कार्यकर्ता की बात हो, विलेज लेवल, परगना लेवल, हर एक जगह बीजेपी का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। पार्टी कमांड से जो ऑर्डर आता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं हर मामले में अनुशासित दिखती है। वहीं 2014 से देखा जाए तो कांग्रेस में कोई भी अनुशासन नहीं है, किसी भी स्टेट इलेक्शन में वहां का जो भी लोकल प्रभावी लीडर है, जैसे यहाँ पे हुड्डा साहब है, उनके प्रभाव में ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, मैक्सिमम नेता सीनियर है। बात करेंगे तो ना ही जिला प्रमुख, ना विधानसभा प्रमुख, ना जिला प्रभारी कोई भी नहीं है। अगर कोई सीनियर नेता है तो उसको काम देना आसान नहीं है, ना ही उसे काम करवाना आसान है। ऐसे में अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल है, इस मामले में कांग्रेस कहीं पिछड़ी नजर आती है। बात करें जाति की राजनीति, तो कांग्रेस इस बार हरियाणा इलेक्शन का भविष्य जाति की ही राजनीति से तय होने वाला है। हम लाख कह के मर जाएं जाति से ऊपर सोचेंगे बट ये आसान नहीं है। चलिए थोड़ा सा जाति का खेल समझते हैं। बात करें तो बीजेपी ने 16 जाट और बाकी गैर जाट, तो बीजेपी की राजनीति लगभग में गैर जाट रही और पिछले 10 सालों में सक्सेसफुल भी रही है। वहीं कांग्रेस ने इस इलेक्शन को 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी बना दिया, मतलब जाट वर्सेस अदर गैर जाट बिरादरी, क्योंकि कांग्रेस क्या 36 जाट बिरादरी, 36 बिरादरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान से देखिए कि 28 जाट उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस ने, वहीं बीजेपी ने 16 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। हरियाणा के इतिहास में देखिए तो सरकार बनाने में केवल 3 बड़ी जातियां हैं जो रोल प्ले करती हैं, ओबीसी जिनकी आबादी लगभग 35% है, उसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट हैं, वहीं जाट जो 20-22% और वहीं दलित 20.17% के आसपास हैं। ठीक है, जाट सीटों के प्रभाव की बात करें तो पूरे हरियाणा में 37 जाट सीटें जाट प्रभावित सीटें हैं, जिसमें से 22 जाट लैंड में आती हैं, 8 बागड़ी में आती हैं, 4 जीटी रोड में आती हैं, 3 ब्रज में आती हैं। तो इन 37 सीटों में से 30 सीटें रोहतक और हिसार एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में आती हैं।
मतलब पूरे सीटों के 40% सीटों पे प्रभाव किनका है, जाट का है। तो आप समझ सकते हैं जाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट इन द हरियाणा पॉलिटिक्स, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में ये बिरादरी लगभग लगभग कांग्रेस के पल्ले में आ जाती है। तो अगर आप देखें तो बीजेपी ने की जाति कहीं ना की राजनीति कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स और ओबीसी को अपनी तरफ मिलाने के लिए रहती। कुछ 22 टिकट बीजेपी ने ओबीसी को दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के 20 टिकट दिए हैं। आप सोचिए कि अभी तक बीजेपी का जो काम है वो कहीं ना कहीं पुरानी जो डैमेज है उनको मैनेज करना है, क्योंकि सैनी को सीएम बनाना एक बड़ा दाम है खट्टर को हटा के, जो 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे हैं, वो भी एक गैर जाट सीएम थे। ठीक है, तो ओबीसी वोटर्स को वो इकट्ठा करना चाहते हैं जो 35% है। वहीं बीजेपी के अनिल विज को देखा जाए तो वो बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन उनको मोड़ को पढ़ना आसान बात नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में नाराज चलते हैं, विधानसभा इलेक्शन में बोलते हैं कि अगर मैं सीएम बना तो मैं तस्वीर बदल दूंगा, मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं, मुझे सीएम बनना चाहिए। तो उनके सीएम बनने की दावेदारी अलग हो रही है। खट्टर के लिए जनता की जो नाराजगी थी उससे सैनी बच नहीं सकते। आखिर 6 महीने के मुख्यमंत्री होके आप ये दावा तो नहीं कर सकते कि मैं बदल दूंगा सब कुछ। तो खट्टर की नाराजगी से अगर आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन में नारायण सैनी के विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं पे बीजेपी हार जाती है, लोकसभा में 5 सीट पाती है, 5 सीटें कांग्रेस, तो वहां तो बात बराबर की टिक गई। अब हम बात करते हैं 9.5 साल तक सरकार चलाने वाले खट्टर विधानसभा इलेक्शन की लाइमलाइट से पूरी दूर है। उनका भले अनुभव का यहाँ पे फायदा लिया जा रहा है, बट उनको कहीं ना कहीं मेन सेंटर में नहीं रखा जा रहा। प्रचार के दौरान अगर आप देखें तो बीजेपी के कई लीडर्स का भारी विरोध हुआ है वही किसान आंदोलन पे, क्योंकि हमको बॉर्डर पे क्यों गोलियां चलवाएं जब आपको वो कानून वापस ही लेना था, बेटियों को क्यों दिल्ली के सड़कों पे रगड़ा, बल्कि वो बेटियां मेडल लाती हैं, अग्निवीर क्यों निकाला, क्योंकि हरियाणा के हर घर से एक पहलवान, एक किसान, एक आर्मी वाला जवान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मुद्दे पे बीजेपी को कवरअप करना आसान नहीं है। नारायण सिंह के क्षेत्र में पवन सिंह सैनी जब गए उनको किसानों ने घेर लिया, दुष्यंत सिंह चौटाला का भारी विरोध हुआ, अमन यादव का भारी विरोध हुआ, कृष्ण बेदी का बहुत ज्यादा भारी विरोध हुआ। तो ये जब लीडर्स कहीं कहीं गए तो वहां जनता भड़क उठी, ऐसा लगा कि कहीं मार ना दे। तो बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी भगवान जाने। सैनी की बात करें तो सैनी 5% आबादी ओबीसी की कवर करते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन क्योंकि पिछले कई स्टेट्स में बीजेपी ने इलेक्शन जीते हैं तो उसका एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो मैनेज कर लेगी, इतनी भी बीजेपी विरोध लहर है नहीं। खैर, लोकसभा में 5 सीटें मिली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में फर्क होता है। लोकल पॉलिटिक्स और सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी का अब तक नॉन जाट है, अब देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जाट का मेन गुस्सा 2016 में जो जाट आरक्षण वाला है उसको लेके भी, किसान, अग्निवीर और बेटियों के मुद्दे के साथ साथ जाट आरक्षण के विरोध में भी काफी ज्यादा गुस्सा जाटों का बीजेपी के लिए है। कांग्रेस की बात करें तो जैसे मैंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ जाटों पे अच्छी है, वहीं ओबीसी में उनकी बहुत बड़ी कद्दावर नेता है, सांसद है कुमारी शैलजा जी कौन है उनके पे भी गुड वेल डिटेल्ड वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन कैंपेन की बात करें तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड कैंपेन नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि जब आपस में इनकी बड़े मनमुटाव रहे हैं, जैसे सीटों के बंटवारा में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 सीटों में से 72 सीटों तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में चली गई, और 72 सीटों में जिस तरह से बंटवारा हुआ कुमारी शैलजा के प्रभाव में केवल 9 सीटें आईं। इससे कुमारी शैलजा बहुत नाराज हुई क्योंकि ओबीसी की मेन नेता, सबसे ज्यादा ओबीसी की सीटें और आपने मुझे किया, तो कुमारी शैलजा ना सोशल मीडिया पे आई ना ही वो इलेक्शन में दिखी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कोई भी कमेंट नहीं बोला जो कुमारी शैलजा के खिलाफ हो, या सोशल मीडिया पे ऐसा कोई बयान नहीं आया जो एक दूसरे के खिलाफ है। मीडिया ने जो भी दिखाया हो वो किसी ने किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, और कांग्रेस के मैनेजमेंट का मानना है कि उन्होंने इस चीज को कंट्रोल कर लिया है, नाउ द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। बट इन सभी में आप प्लीज ये ना भूल जाए कि लोकसभा इलेक्शन में दलितों के ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को, और बीजेपी ने दलितों के वोट खो दिए। खैर, अदर पार्टीज को आप हल्के में ना लें, जेजेपी की बात करें तो उसकी सोशल मीडिया इतना इनोवेटिव है, मैनेजमेंट भले ना हो, वहीं अदर लोक पार्टी की और निर्दलीय की बात करें तो इन्होंने भी समीकरण बिगाड़ रखा है। तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ मामलों में बीजेपी कांग्रेस से आगे तो कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये कोई एक तरफा इलेक्शन नहीं है, ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कांटे की टक्कर होने वाली है,
8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना, क्या 2024 जैसी चीजें दोहराई जाएंगी, या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, या कांग्रेस वनवास कंप्लीट करेगी, या एक साझा सरकार बनेगी जिसमें कई पार्टियों को, क्योंकि आपको पता है इंडिया गठबंधन एक साथ हो जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट, कि एक मिलीजुली सरकार साझा सरकार उठापटक चलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का उठापटक का रिकॉर्ड भी बहुत पुराना रहा है। तो देखिए क्या होता है, और आपको वीडियो कैसे लगी, एनालिसिस कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, आपकी क्या राय है, आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ये वीडियो उन तक भी शेयर करें जिनको थोड़ी सी राजनीति हरियाणा की समझनी हो, क्योंकि आप किसी भी एज को, किसी भी प्रदेश को, इंडिया के बारे में जानकारी के लिए आप टी पॉइंट अकेडमी पे आ सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।